सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर बुधवार को एक बड़ा फैसला ऐलान किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं इसके लिए याचिका भी दायर कर सकती हैं। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बारे में विस्तार से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि मुस्लिम महिलाएं भी तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं इसके लिए याचिका भी दायर कर सकती हैं। दरअसल तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम युवक को अंतरिम तौर पर अपनी पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ युवक ने फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शख्स ने अपनी याचिका में कहा था कि इस मामले में गुजारा भत्ता 125 सीआरपीसी के बजाय मुस्लिम महिला अधिनियम जो कि 1986 के प्रावधानों द्वारा शासित होना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धर्म तटस्थ धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्न और जस्टिस जॉर्ज मसी की पीठ ने आज इस मामले की विस्तृत सुनवाई करते हुए दो अलग अलग लेकिन समवर्ती फैसले दिए हैं।